जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में। आज हम आपके लिए अलग ही प्रॉब्लम लेके आए हैं सैमसंग एलईडी टीवी का। आप देख सकते हो ये 32 इंच का सैमसंग का एलईडी टीवी है, इसके अंदर कलर का प्रॉब्लम है और स्क्रीन भी उल्टा आ रहा है। इस प्रॉब्लम को टेक्निकल भाषा में आप बोल सकते हो मैपिंग प्रॉब्लम और मिरर इमेज का प्रॉब्लम। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है वो पूरा दिखाएंगे। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा, आपको काफी यूजफुल टिप्स मिलेगी। इस सैमसंग एलईडी का मॉडल नंबर है UA32EH4003। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक सैमसंग के ओरिजिनल रिमोट की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप इसका सर्विस मोड ओपन कर सकते हो और उस सर्विस मोड को ओपन करने के बाद आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, हमने एक सैमसंग का ओरिजिनल रिमोट का बंदोबस्त कर लिया है। आप देख सकते हो इस सैमसंग के रिमोट को, ये सैमसंग का रिमोट है, इसकी आपको बहुत ही जरूरत पड़ेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम सबसे पहले इस प्रॉब्लम में सर्विस मोड ओपन करेंगे और सैमसंग का सर्विस मोड ओपन करने के लिए आपको सैमसंग का सर्विस मोड की जो फंक्शन है उसे प्रेस करने पड़ेंगे। सर्विस मोड ओपन करने के लिए आपको सैमसंग के रिमोट से एलईडी को ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद इन्फो मेन्यू म्यूट, आप देख सकते हो हमारा सर्विस मोड ओपन हो गया है। और अभी हम इसमें तो हमने ऑप्शन में ओके कर लिया है और इसमें हम पैनल चेंज कर देंगे। ये जो टाइप लिखा है 22L6TF1E है, उसकी जगह हम पैनल चेंज करेंगे, 32 इंच की पैनल लाएंगे। आप देखिए, हमने 32 इंच की पैनल ले आए हैं, तो हमारा मिरर वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है और मैपिंग वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हो। और हम वापस मेनू दबाएंगे, आप देख सकते हो फैक्ट्री रिसेट में सबसे पहले टाइप का ऑप्शन है, उसके अंदर आपको 32S6AH3D का यूज करना है, उसमें आपको पैनल सिलेक्शन करना है। रिमोट के अंदर बीच में एंटर वाला जो की है उसके आजू बाजू वाली की को प्रेस करके आपको अप डाउन करना है। मैं आपको करके दिखाता हूं वापस एक बार, आप देखिएगा, ये देखिए पैनल चेंज हो रही है, ये वापस 22 आ गई है। हम वापस इसको 32 का पैनल ले आते हैं, आप देखिए जैसे ही हम पैनल चेंज करेंगे वैसे देखिए वापस हमारा मैपिंग प्रॉब्लम और हमारा मिरर का प्रॉब्लम भी आ रहा है। तो हम वापस इस पैनल को चेंज करेंगे, आप देख सकते हो हम वापस पैनल को ले आए 32 की, क्योंकि हमारा एलईडी 32 इंच का है। और अभी हम मेनू दबाएंगे, आप साफ देख सकते हो हमने मेनू वापस प्रेस किया तो हम रिवर्स आ गए हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है सर्विस मोड से मिरर इमेज और मैपिंग का। तो हम वापस आए हैं, तो फैक्ट्री रिसेट, उसके अंदर टाइप के अंदर जो पैनल का मॉडल लिखा है, आप उस पैनल के मॉडल को चेंज करके अलग अलग पैनल करके आपकी जो एलईडी टीवी की साइज है वो साइज पे लाके आप अपना मैपिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, मिरर इमेज का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। उसके नीचे SW मॉडल, ये सब पूरा उसका जो डेटा है जो उसके अंदर यूज किया हुआ है वो सब लिखा हुआ है, तो हमें फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है। और वापस हम मेनू दबाएंगे तो आप देखिए ये सबसे पहला मेनू आ गया है, ऑप्शन सब ऑप्शन साउंड डिबंग SVC WB एडजस्ट ADG एडजस्ट एडवांस ट्यूनर सेल्फ टेस्ट सब ऑप्शन। तो हमें इसकी अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मैपिंग का और मिरर इमेज का प्रॉब्लम परफेक्ट हो गया है। तो अभी हम इसमें से एग्जिट ले लेंगे, एलईडी को ऑफ कर देना पड़ेगा। तो हमने एलईडी ऑफ कर दिया है रिमोट से, और एक बार उसको मेन पावर से भी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। स्टैंड बाय रेड लाइट अभी भी जल रही है, वो धीरे धीरे उसको डिस्चार्ज होने दीजिए, उसके बाद आप वापस ऑन कर लीजिए।
तो ऐसा करने से आपका आपने जो भी चेंजेस किया होता है वो मेमोरी फ्लैश आईसी में सेव हो जाता है, तो ये करना बहुत ही जरूरी है। और अभी हम वापस एलईडी ऑन करेंगे और अभी हम एवी करेंगे। आप देख सकते हो मैपिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हो एकदम क्लियर पिक्चर आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको साउंड करके दिखाएंगे। तो हिंदी सीखने में जल्दी सीख पाए। गुजरात के वलसाड में बाढ़ के खतरे से लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहले से ही तैनात। आप देख सकते हो हमारा जो कदर का प्रॉब्लम और जो स्क्रीन उल्टा आ रहा था, मतलब मैपिंग का प्रॉब्लम और मिरर इमेज का प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो चुका है। और कैसे सॉल्व हुआ है हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके उतना शेयर कीजिए। वहाँ एयरपोर्ट अब जाकर बना है और वहाँ ऐसी सुविधाएं अब जाकर बन रही है। अशोक की लाख से दिए गए इस चिन्ह पर सवाल उठाए।